नेहा की तो डेथ हो गई 1 महीने पहले। मैंने उसके हाथ में बैंड पहनाया है, उसने मेरे हाथ में धागा बांधा है। तो गाइस आज मैं आपसे भी कुछ चिल गेमर का लव स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे बंदे शॉक हो जाएंगे, क्या पता बहुत सारे बंदे रो भी दे इस लव स्टोरी को सुन के। मेरा तो गाइस हालत खराब हो गया था, मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और चिल भाई भी यानी कि लास्ट मोमेंट में जब बता रहा था, जब लास्ट मोमेंट का बातें बताया था, तो वो भी अटक सा गया था, वो भी थम सा गया था, रुक सा गया था। तो गाइस चिल गेमर का जो मेन मोमेंट था, लास्ट मोमेंट था, वो वाला क्लिप तो दिखाऊंगा, लेकिन आपसे भी को दिखाने से पहले समझना जरूरी है कि हुआ क्या था इस सीन का पूरा प्रॉपर। तो मैं आपसे भी को बताता हूँ सबसे पहले। तो गाइस चिल गेमर के लव स्टोरी का शुरुआत कुछ इस टाइप का होता है कि चिल गेमर अपने नानी के घर गई थी और वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसकी नाम है नेहा। और गाइस चिल गेमर डेली छत पे जाके उसे देखने लगती है, घूरने लगते हैं और हंसते हैं। तो होता क्या है कि उस लड़की को नेहा को वो चीज यानी कि बुरी लगती है, तो वो ना छत से आ जाती है, क्योंकि पास में छत थी। तो वो छत में आके यानी कि उसे डायरेक्ट बोलता है कि तुम हंसते क्यों हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या। उसके बाद चिल गेमर को फिर बुरा लग जाता है। चिल भाई उसके बाद और छत के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि गाइस उसे भी बुरा लग गया था जो फैमिली के बारे में बोला था। उसके बाद वो लड़की चिल गेमर के नानी के घर आ जाती है। उसके बाद चिल गेमर को फिर ये बोलता है कि तुम आते क्यों नहीं हो। चिल भाई बोलता है कि आपने तो मेरे को ऐसे ऐसे बोला था, आपने मेरे को घटिया बोला था, इसलिए मैं नहीं आता। उसके बाद फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने मतलब हंसने वसने से मना किया था, मैं ये थोड़ी ना बोला था कि आप मुझे ऊपर आके देखे ना। गाइस उसके बाद कहीं ना कहीं चिल गेमर को लगा कि हाँ ये लड़की मुझसे भी प्यार करने लगती है। अब सीन क्या हुआ कि यानी कि इन दोनों को लग गया कि हाँ एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पसंद करते हैं। तो चिल भाई ने उसके बाद ये किया कि वो गिफ्ट देने के लिए कोई चीज खरीदा यानी कि हाथ में बांधने के लिए, और उसका एक छोटा भाई को दे दिया कि उसे ले जाकर दे देना। उसका हिम्मत नहीं हुआ था कि वो खुद से दे, तो उस लड़की का जो छोटा भाई है ना वो उसके बड़े भाई को ले जाकर दे दिया। और उसका बड़ा भाई जो है ना चिल भाई को पकड़ा भाई, मतलब काफी तरीके से डांटा वाटा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लड़की चिल गेमर के पास आई और चिल गेमर को पूछा कि ये आपने भेजा था, ये भेजा था। तो चिल गेमर बहुत ज्यादा डर और खा के फिर बोला कि हाँ मैंने भेजा था। फिर नेहा ने चिल भाई से अपना डोरा बनवाया और इसने भी चिल भाई को एक डोरा बांधा, और इन दोनों का प्यार का कुछ इस तरीके से शुरुआत हुआ था। फिर चिल भाई जो है ना घर आ गए। उसके बाद गाइस शॉकिंग वाला चीज तो यहाँ से शुरू हुआ कि चिल भाई यानी कि 1 महीना बाद काफी एक्साइटेड होकर नेहा से मिलने के लिए यानी कि अपनी नानी के घर जाती है, और वहां जाके यानी कि उसके छोटे भाई को बोलता है कि नेहा कहाँ है, नेहा कहाँ है। तो उसका छोटा भाई कुछ भी आंसर नहीं दिया था। उसके बाद वो काफी ज्यादा डर गया था कि क्या पता ये फिर से उसके बड़े भाई को ना बता दे। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से वो डर को खा के ना उसके छोटे भाई को पूछता है, तो और नेहा का छोटा भाई जो है ना इमोशनल होकर बोलता है कि नेहा की डेथ हो गई। तो भाई साहब चिल गेमर का रिएक्शन कुछ अलग लेवल का था। आपसे भी को अगर नहीं होता है विश्वास तो आपसे भी इस क्लिप को देख लीजिए, क्योंकि मैं नानी है घर उसकी वजह से आया था। के पहले तो मैं मजे करने आता था, अब मैं आया था नेहा की वजह से। अब मैंने पूछा, मैंने उसका जो छोटा भाई था, मैं अंचे खेलने गया उसके साथ, जबरदस्ती अंचे खरीदे मैंने दुकान से, उसके साथ खेलने गया। मैंने पूछा कि भाई तेरी बहन कहाँ है नेहा, तो उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रह गया कि अब वो बड़ा उदास सा हो गया और अपने घर भाग गया। उसने मुझसे उस बात का जवाब ही नहीं दिया कि नेहा कहाँ है। मुझे लगा साला ये अपने बड़े भाई से ना कहते घर जाके, मैं टेंशन में पड़ गया कि इसने मुझे कुछ जवाब भी नहीं दिया और ये चुपचाप घर भाग गया। अब लेकिन फिर कुछ हुआ भी नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसने अपने बड़े भाई से भी नहीं कहा, तो वो फिर मिल गया मुझे 2 दिन बाद। कि मैंने पूछा भाई नेहा कहाँ है, तूने बताया नहीं। कि उसने कहा कि भैया हमारे यहाँ ना वो कहते हैं इंतकाल, मतलब जो हंसने वाली बात नहीं है, डेथ को, कि भैया नेहा की तो डेथ हो गई। देखो मेरा मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे ही था कि मैं जब उसने मुझसे बात कही तो मैं पूरे 1 दिन चुप रहा था, मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। तो गाइस यहाँ तक अगर आपसे भी ने वीडियो को देख लिया तो आपसे वो कैसा फील हुआ यार? भाई मुझे तो अजब सा फील हुआ था, यानी कि भाई काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि 1 महीना पहले इसने मतलब उसके साथ मिला, एक दूसरे को कुछ पहना है, इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ इस टाइप से शुरू हुआ था। पता नहीं चिल भाई ने जो ये चीज बताया ये 100% सही है गलत, लेकिन भाई मुझे सुन के तो काफी ज्यादा बुरा लगा था। आपसे भी वो क्या फील हुआ कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।